स्टार्ट बता देना मुझे, हो गया? हाँ नहीं नहीं ये रॉ मटेरियल का स्टोरेज, यहाँ से रॉ मटेरियल खाली इसमें गड्ढा दिखाई, इस गड्ढे में डालना है। इस गड्ढे में डालने के बाद यहाँ से जो रॉ मटेरियल आएगा वो सीधा इस एलिवेटर में आएगा। दूर से लेना सब चीज़ें दिखाना, ये एलिवेटर में आएगा। ये एलिवेटर में ये लॉक दिया हुआ है, ये लॉक से जो अपना फीडिंग है वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर ये एलिवेटर जो है अपना माल उठाएगा, माल उठा के ये पाइप दिखाइए, ये ऊपर से जो है ये अपना पैडिंग क्लीनर मशीन, ये पैडिंग क्लीनर मशीन क्या करेगा, ये पैडिंग क्लीनर मशीन क्या करेगा, इसके अंदर का जो डस्ट डर्ट है और लाइट वेट का जो अपना पैडिंग है उसको सेपरेट करेगा। इसके बाद इसको सेपरेट करके यहाँ पे एकदम क्लीन वाला बनाएगा। यहाँ पे एकदम क्लीन वाला धान है, फिर इस धान को ये एलिवेटर कलेक्ट करेगा। इसको कलेक्ट करके ये जो एलिवेटर है इस पाइप से ये अपना सोकिंग टैंक, दो सोकिंग टैंक दिखाइए, सोकिंग टैंक दिखाइए, ज़्यादा लंबा मत करिए। ये सोकिंग टैंक है, इसमें सोकिंग हो जाएगा। टैंक नंबर फर्स्ट, टैंक नंबर सेकंड, फिर यहाँ से जो मटेरियल है सोकिंग किया हुआ, देखना नीचे देखना, ये मटेरियल दिखाइए। फिर ये जो सोकिंग किया हुआ मटेरियल है तो फिर इसमें डालेगा, ये मतलब सोक किया हुआ मटेरियल है, ये मटेरियल फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली ये एलिवेटर में जाएगा। ये एलिवेटर में भी एलिवेटर से यहाँ पे कंट्रोलर दिया हुआ है, एलिवेटर में जितना फीड अपन को देना है स्टॉप करना है उतना अपन स्टॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो मटेरियल इनलेट होगा वो यहाँ पे अपन को ये रोस्टर में जाएगा ऑटोमेटिकली, दिखाइए। यहाँ से भी ये पूरा मटेरियल जो है यहाँ पे रोस्ट होगा, यहाँ से ये भट्टी है पूरा मटेरियल रोस्ट होके यहाँ पे आएगा, इस जगह पे बैठ जाएगा ना, यहाँ पे रोस्ट होके मटेरियल आएगा। फिर ये मटेरियल जो है रोस्ट हुआ ये अपन को पोहा मशीन में डालना है, ये पोहा मशीन में डाल दिया तो ये अपना पोहा बना देगा। ये बना हुआ पोहा जो है अपन को इससे निकाल कर इसमें डालना है, ये है पोहा ग्रेडर, इसमें डाल दिया तो ये पूरा जो पोहा है इसके अंदर का डस्ट डर पार्टिकल क्लियर करके आपको फिनिश गुड पोहा अंदर से आएगा। देखिए ये यहाँ पे पोहा आएगा और ये है पोहा,